गज़ल गज़ल बोलते तो बहुत है लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि यह है क्या स्ट्रक्चर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ये एक जैसे बिस्किट का डिब्बा आता है जिसमें एक ही डिब्बे में नमकीन मीठा क्रीम वाला बटर वाला खारा बिस्किट हर तरह के बिस्किट एक ही डिब्बे में है गज़ल भी ऐसे ही बिस्किट का डिब्बे जैसा है गज़ल में हर दो लाइनें एक पंक्ति दो होती हैं जो एक शेर हो गया वो अपने अंदर कंप्लीट है उसका पिछले से और अगले शेर से कोई संबंध हो नहीं हो कोई जरूरत नहीं वो हर शेर अपने अंदर एक कंप्लीट स्टेटमेंट जिसका आगे पीछे से कोई संबंध नहीं तो फिर ये साथ में कैसे है साथ में ये यूं है कि मीटर एक है फिर राइमिंग एक है काफिया जैसे बोलते हैं दवा मिला हुआ किया भला ये राइम चल रहा है उसके अलावा एक और चीज़ है जो सिर्फ परजियन पोट्री में हम लोगों ने पर्जियन से लिया है और आज जहाँ पंजाबी में होती हो मराठी में होती हो गुजराती में होती हो मतलब लिखी जाती है लैंगवेज में उर्दू में हिंदी में उसमें भी इसको लिया गया है वो चीज़ है रदीफ रदीफ़ होती है कि जो काफिया या जो वो है राइम है उसके बाद आज दिल नाता तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है तो ये दवा हुआ तो राइम है क्या है जो रिपीट हो रहा है ये क्या है ये रदीफ़ है ये अरबिक में नहीं है ये संस्कृत में नहीं है ये इंग्लिश में नहीं है ये इटालियन में नहीं है ये जर्मन में नहीं ये सिर्फ यहाँ है रदीफ नहीं होती राइम होता है अगर वर्षवत लिखेगा तो लिखेगा अ फ्लावर बाय मॉसी स्टोन है फ्रॉम द आई फेर एज स्टार ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई तो आई और स्काई मगर रदीफ नहीं दोहा अगर लिखेगा रहीम मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दो काम। सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम तो राम और काम राय रदीफ नहीं होगी दोहे में रदीफ नहीं होती तो ये इसमें होता है अब अगर दो लाइन में कंप्लीट बात कहनी है तो फिर हम आप जब बात करते हैं और शॉर्ट में बात करने लगते हैं तो हम मेटाफर बना लेते हैं कि ये वर्ड के ये ये मीनिंग है तो एक वर्ड बोला और दूसरा समझ गया दोस्तों में बहुत होता है उसी तरह से सिंबल्स बनाए गए हैं गजल में गजल में हीरो कौन है गजल का या तो आशिक और या रिंद रिंद का मतलब ड्रंकर्ड शराबी हीरो विलन कौन है शेख जाहिद, नासे, महतसब ये सारे वर्ड्स हैं शेख का मतलब मौलवी नासे मतलब जो नसीहत करने वाला सब बताना कि ये धर्म अधर्म है ये सही है ये गलत है जाहिद प्योरिटन, महतसिब मॉरल पुलिस ये सब जो हैं ये विलन हैं गज़ल के और हीरो है रिंद अच्छा, रिंद का मतलब ड्रंकर्ड नहीं है जो इस्तेमाल हो रहा है गजल में रिंद का मतलब है फ्री थिंकर और आपको शेर सुनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे है जो अच्छी जगह है वो है मैखाना जो बुरी जगह है गलत जगह है बोरिंग जगह है वो है हरम मस्जिद ये गजल की लैंग्वेज है के मगर ये सिंबल्स हैं बात कुछ और हो रही है जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम दं। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम जिन्हें प्यास कम उन्हें दं। दम बदम मेरे साखिया तेरे मैकदे का निजाम है कि मजाक है निजाम सिस्टम वो कह रहा है कि जिनको प्यास है उन्हें कम से कम तुम देते हो और जिन्हें प्यास नहीं है उन्हें तुम पैक पे पैक दिए जा रहे हो तो ये तुम्हारे मैकदे का ये सिस्टम है क्या मजाक ये किसके बारे में बोल रहा है ये सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम पे है ये शराब पे थोड़ी है ये सिंबल्स पोइटिक इस्तेमाल किए जो बरसों पहले की शायरी है और आज की मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज जरा डिफ़िकल्ट भी होती है मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि आपने कहा ना कि मुस्लिम ट्रेडिशन ये मुसलमान शायर हैं सब जिन्होंने लिखा है कि अकायद वहम है मज़हब ख्याल ख़ाम है साकी अजल से जहन इंसान बस्त ओहाम है, है साकी ये जो बिलीव हैं दे आर ऑल रॉन्ग रिलीजन इज़ अ वेरी वीक आइडिया मैं लिटरली ट्रांसलेट कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द ह्यूमन माइंड इज द बैग ऑफ सुपरस्टिशंस ये उर्दू शायरी जो कल मैंने आपको शेर सुनाए थे कि जाए है जी निजात के गम में ऐसी जन्नत गई जहनुम में